हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल वाई फाई अकेडमी। आपका फिर से स्वागत है आपके HTML क्लासेस में। HTML क्लासेस में आपके वेब पेज का निर्माण यानी वेबसाइट का निर्माण कैसे करते हैं, बहुत ही आसान तरीका आपको बताया जा रहा है। तो आज का जो टॉपिक है वो जो मिक्सअप क्लास, पहले वाली जो क्लास थी वो मिक्सअप क्लास थी, यानी उसमें एक ही प्रोग्राम में 5-7 प्रोग्राम्स को समझाया गया था। अब आगे का जो उसका पार्ट है वो सेकेंड पार्ट यानी मिक्सअप पार्ट है। तो इसमें जो आपके आज का जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा हाइपरलिंक। हाइपरलिंक क्या होता है कि हाइपरलिंक जैसे http://www.school.com या जो भी वेबसाइट है उसको आपको वेब पेज में एडजस्ट करना है। जैसे ये आपका आउटपुट देना है, जैसे आपने कोई ये वेब पेज में एक छोटा सा बटन होता है जिस पर लिखा रहता है क्लिक मी या क्लिक हियर, तो वो रहता है बटन, जिसको क्या बोलते हैं बटन, उसका निर्माण करना यानी इस बटन का निर्माण करना हाइपरलिंक। ये हाइपरलिंक हो गया http://www.school.com, ठीक है। तीसरी इमेज का, फोर्थ पैराग्राफ का, एंड फॉर फिफ्थ है आपके ऑडियो इंक्लूड करना आपके वेब पेज में। तो ऑडियो कैसे इंक्लूड करते हैं, तो वो सारी चीज़ें हैं यानी आपके जो वेब पेज में 1, 2, 3, 4, 5 यानी 5 क्लास आपकी इस क्लास में कंप्लीट करवाई जाएगी। यानी इसका नाम ही मिक्सअप इसीलिए रखा गया है क्योंकि इतने दिन क्या चल रहा था आपके, एक एक क्लासेज एक एक टॉपिक चल रहा था, लेकिन अगर आपको 3-4 पॉइंट दे दिए जाए कि ये आपको वेब पेज में इंसर्ट करना है या इनके द्वारा वेब पेज का निर्माण करना है तो कैसे बनाओगे, तो वो चीज़ें आज आपको क्लास में बताई जाएगी। हाइपरलिंक के लिए कौन सा टैग काम आता है, एटैग के साथ में कौन सा एट्रीब्यूट HREF एट्रीब्यूट का उपयोग किया जाता है। फिर है हेडिंग टैग, पैराग्राफ टैग और इमेज टैग, ये भी क्लियर हो गया। अब आपको इस वेब पेज में हेडिंग क्या देनी है, माय वेब पेज, ये आपको हेडिंग भी देनी है, यानी 6 टॉपिक हो गए आपकी क्लास में। ऑडियो भी देना है, बटन भी देना है, ऑडियो में आपको उसका लिंक भी देना है, और कमेंट कैसे देते हैं, कमेंट क्या होता है, यानी किसी व्यक्ति के बारे में, किसी पर्सन के बारे में आप कमेंट करते हो तो कमेंट हाइड होता है, कमेंट हमेशा सेव नहीं होता है, कमेंट को हमेशा हाइड में रखा जाता है, तो वो कमेंट आपके वेब पेज में सेव नहीं हो। तो ये सारी क्लासेज आपके आज की क्लास में बताई जा रही है। तो शुरू करते हैं सेल्फ स्टार्ट प्रोग्राम की वही शुरुआत, वो पहले अगर आपने क्लासेज देखी है तो आपको बॉडी टेक तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, आप बिल्कुल एजी टीज भी लिख सकते हो। उसके बाद में केवल आपको सिंटेक्स, जिस प्रकार मैथ में पूरा क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए आप छोटे से सूत्र यानी फॉर्मूले का उपयोग करते हो, उसी प्रकार वो फॉर्मूले ही आपके HTML में, यानी उसमें अलग प्रकार के फॉर्मूले हैं और HTML में अलग प्रकार के फॉर्मूले हैं। केवल आपको फॉर्मूला याद करना है, पूरा प्रोग्राम याद नहीं करना है, अगर फॉर्मूले की सहायता से ही पूरी वेबसाइट का निर्माण कर सकते हो। तो HTML टैग के द्वारा प्रोग्राम की शुरुआत, फिर शीर्ष पर आपको प्रदर्शित किया जाता है हेड टैग के द्वारा, फिर प्रोग्राम का टाइटल दिया जाता है टाइटल टैग के द्वारा, टाइटल यानी इसका भी आप कुछ भी दे सकते हो, जैसे XYZ कोई भी नाम दे सकते हो, एंड टाइटल देकर टाइटल को बंद कर दिया जाता है किसके द्वारा, क्लोजिंग टाइटल टैग के द्वारा। क्लोजिंग टाइटल टैग की पहचान क्या है, स्लैश लाइन होती है, यानी नाम से पहले स्लैश होता है। उसके बाद में शीर्ष भाग को बंद करना है, या आपने शीर्ष भाग को क्या किया, बंद कर दिया। अब आपके जो प्रोग्राम है वो कहाँ से स्टार्ट होता है, बॉडी पार्ट से स्टार्ट होता है, यानी यहाँ से लेके यहाँ तक तो आपकी कॉमन है, क्या है कॉमन है, सभी प्रोग्राम्स में लिखना जरूरी है, कंपलसरी है, नेसेसरी है, आपको जो मानना है वो मानो, ये तो आपको लिखना ही पड़ेगा। तो अब आपको जो कोडिंग लिखनी है, देखना आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, पहले स्क्रीनशॉट लेने के बाद में आप आसानी से केवल सिंटेक्स से लिख सकते हो, केवल आपको सिंटेक्स यानी सूत्र यानी फॉर्मूला याद रखना है, केवल जिस प्रकार आपने देखा हाइपरलिंक का जो फॉर्मूला है, हाइपरलिंक सबसे पहले आपके इसमें है हेडिंग देनी, क्या देनी है, इस वेब पेज के अकॉर्डिंग चलना है, आपको क्या करना है, इस वेब पेज के अकॉर्डिंग चलना है। तो सबसे पहले क्या है आपके, हेडिंग देनी है, तो हेडिंग देने के लिए पहले आपको बताया था हेडिंग में क्या था, H1, क्या हेडिंग है, माय वेब पेज, क्लियर, और क्लोजिंग हेडिंग टैग, ये आपके कंप्लीट हो चुका है। इसका छोटा सा सिंटेक्स है, कोई इसकी जगह अगर आपके दूसरा टेक्स्ट हो तो भी इसमें दोनों हेडिंग टैग के बीच में टेक्स्ट लिख दो। अब आपके ये है क्या है, देखना इधर, ये आपके बटन क्या होता है, बटन, तो बटन के लिए हमेशा ही बटन टैग का उपयोग करते हैं, तो वही याद रखने में भी आसानी होगी, BUTT1 बटन, क्या लिखा है इस पर, क्या लिखा हुआ है, क्लिक किया, CLICK हियर, ये क्लोजिंग बटन टैग,
दो कंप्लीट हो चुके हैं बहुत ही आसानी से, कोई ज़्यादा दिमाग पर जोर नहीं डालना है, बहुत ही आसान तरीका है। यानी एक नॉर्मल वे में जाकर आप वेब पेज का निर्माण कर सकते हो किसी बिना किसी बर्डन के। अब थर्ड में क्या है आपके, हाइपरलिंक। हाइपरलिंक के लिए आपने को कौन सा टैग के काम में लेते हैं, ए टैग। ए टैग के साथ में HREF एट्रीब्यूट का उपयोग करना है। किसका उपयोग करना है, HREF एट्रीब्यूट का उपयोग करना है। हाइपरलिंक बनाने के लिए ए टैग का उपयोग किया जाता है, और ए टैग के साथ में हमेशा किसका उपयोग होता है, HREF एट्रीब्यूट। एट्रीब्यूट को हिंदी में क्या कहते हैं, गुण कहते हैं, तो इसका उपयोग होता है ए HREF। अब आपका कौन सा हाइपरलिंक है, तो हाइपरलिंक यहाँ पर देखिएगा इन्वर्टेड कॉमा में लिखना है HTTP, यही होता है आपने देखा होगा सब में। फिर डबल स्लैश www.school.com, क्लियर। अब आपको क्या करना है, जो भी टॉपिक देना है वो टॉपिक दे दो और XYZ। और क्लोजिंग एंकर टैग, कोई भी टेक्स्ट लिखना वो टेक्स्ट लिख दो, जैसे ये टेक्स्ट लिखना आपको, तो टेक्स्ट लिख दिया और क्लोजिंग HTML टैग, क्लियर। क्योंकि जो लिंक आएगा वो इस टेक्स्ट पर क्लिक करने के बाद में ही ओपन होगा, ध्यान रखना। हमने इस लिंक का नाम दिया, लिंक तो आपने यहाँ पर शो कर दिया, ये हाइड रहेगा। आपने देखा होगा कि जो एट्रीब्यूट्स आपने बीजी कलर, बैकग्राउंड कलर, तो उसमें आपने अगर बीजी कलर लिखा तो बीजी कलर थोड़ी आता है उसमें, बीजी कलर नहीं आता, वो हाइड रहता है, केवल कलर कलर आता है। जो आपने टेक्स्ट लिखा था, जो कोडिंग लिखी थी, वो कोडिंग से होनी होती है, उसका जो आउटपुट है वही प्रेजेंट होता है। तो आपके यहाँ तक कंप्लीट हो चुका है। अब आपके बचता है इमेज देना है, तो इमेज के लिए IMG टैग, IMG SRC का उपयोग। इमेज टैग के साथ में कौन से एट्रीब्यूट का, SRC का। देन फाइल पाथ, जैसे Atul.jpg। ये .jpg क्या होता है, यानी किसी फाइल का एक्सटेंशन कोड क्या होता है, डॉट के बाद में जो भी शब्द आते हैं वो उसका एक्सटेंशन कोड होता है। जिस प्रकार आपके HTML में जो वेब पेज बना रहे हो HTML के द्वारा, उसका एक्सटेंशन कोड क्या होता है, .HTML, यानी शब्दों से पहले क्या लगाया जाता है, डॉट। अगर आपने HTML नोटपैड में आपने फाइल बनाई और उसको .HTML लगाकर आपने सेव नहीं किया है, तो वो है फाइल आपके वेब पेज में ओपन नहीं होगी। तो किसी भी फाइल का एक्सटेंशन कोड बहुत ही जरूरी होता है। अगर आपको ये यहाँ पे एक शॉर्ट में और लिख देता हूँ फाइल पाथ, जिससे आपको अगर दूसरी फाइल भी लिखनी हो तो भी आसानी रहे, क्लियर। आपके इमेज में अब आपको देना है पैराग्राफ। पैराग्राफ देने के लिए कौन से टैग का उपयोग करते हैं, पी टैग का। और कोई भी टेक्स्ट लिखते हो या टेक्स्ट लिख के क्लोजिंग पी के द्वारा इसको बंद कर दिया। अब आपको क्या करना है, लास्ट में साउंड देना है। वेब पेज में कोई साउंड देना है या कोई सॉन्ग्स लगाना है, तो वो कैसे लगाओगे, तो उसके लिए ऑडियो। साउंड को क्या बोला जाता है, ऑडियो बोला जाता है, ऑडियो सोर्स। क्या बोलते हैं, ऑडियो सोर्स। तो इसका जो टैग का नाम रहेगा वो रहेगा आपके ऑडियो, AUDIO SOURCE, सोर्स, क्लियर। अब आपको आगे का जो टॉपिक रहेगा इसी में, उसमें आपको फाइल पाथ लिखना, जैसे सोर्स SRC, यानी इसमें जो सोर्स है कौन सा सोर्स है, ऑडियो का SOUR सोर्स, इसके साथ में BSRC। इमेज के साथ में भी कौन से टैग का उपयोग किया गया था, इमेज SRC, और साउंड के साथ में भी SRC एट्रीब्यूट का ही उपयोग किया जाता है। तो ध्यान रखना, इमेज और साउंड दोनों के लिए SRC एट्रीब्यूट का ही उपयोग होता है। इमेज के साथ में IMG टैग हो गया, जबकि ऑडियो के लिए सोर्स का उपयोग हो गया। सोर्स SRC जो भी फाइल का नाम है, इक्वल टू इन्वर्टेड कॉमा में गायत्री मंत्र .org। अब वही आपके वापस इमेज वाला एक्सटेंशन आया था, इमेज में क्या था .jpg, इसमें .org वगैरह काफ़ी आते हैं इसमें, ठीक है, .mp3 आता है, .mp4 आता है, ये सारे क्या होता है, एक्सटेंशन कोड होते हैं। तो आपने इसका एक्सटेंशन कोड दे दिया। एक्सटेंशन कोड देने के बाद में फाइल का आपको बताना है कि फाइल कौन सी है, टाइप, यानी किस प्रकार की फाइल है। तो टाइप आपकी ऑडियो फाइल है, कौन सी है, AUDIO ऑडियो, और ओग फाइल, यानी एक्सटेंशन क्या है, ओग। ये ऑडियो बंद कर दिया और इसको बंद कर दिया। अब आपको लास्ट में क्या करना है, क्लोजिंग ऑडियो टैग का उपयोग करना है।
ये कंप्लीट हो चुका है। दोबारा मैं एक बार रिपीट करना चाहूँगा, इस प्रोफाइल में आपने देखा सबसे पहले हेडिंग प्रदर्शित करनी है, तो हेडिंग के लिए आपने कौन सा टैग हमें लिया, H1 टैग का उपयोग किया। क्या हेडिंग थी, माई वेब पेज। आपने दोनों हेडिंग टैग के बीच में क्या मेंशन किया, माई वेब पेज मेंशन कर दिया। अब आपके है हेडिंग के बाद में बटन था, उस पर लिखा हुआ है क्लिक हियर, तो ये बटन आपको शो करना है। तो बटन किसके कौन से टैग के द्वारा शो किया था, बटन टैग के द्वारा। उस पर क्या लिखा हुआ है, क्लिक हियर, तो आपने बीच में क्या लिख दिया, दोनों के बीच में क्लिक हियर लिख दिया और क्लोजिंग बटन के द्वारा इसको बंद कर दिया। उसके बाद में आगे बढ़ते हैं, हाइपरलिंक देना है, लिंक देना है वेब पेज में, जिस पर क्लिक करती है वो वेबसाइट ओपन हो जाए। तो उसके लिए कौन सा टैग, ए टैग, ए टैग के साथ में कौन सा एट्रीब्यूट, HREF एट्रीब्यूट, और देन उस फाइल पाथ दे दो, उसको भी फाइल पाथ ही बोल सकते हैं, यानी http://www.school.com। फिर जो आपको उस हाइपरलिंक के ऊपर दे जिस पर क्लिक करना है जो टेक्स्ट, वो यहाँ पर लिखोगे और क्लोजिंग ए टैग के द्वारा इसको बंद कर दोगे। फिर इमेज के लिए मैंने पहली क्लास में भी यानी 3-4 बार आ चुका है, आपके रिपीट हो चुका है, इमेज टैग के साथ में कौन सा एट्रीब्यूट, SRC, और साउंड ऑडियो टैग के साथ में सोर्स, इमेज के साथ में भी SRC और सोर्स के साथ में भी यानी ऑडियो के साथ में भी SRC का उपयोग, यानी दोनों के साथ, दोनों का जो एट्रीब्यूट है वो इक्वल है, कौन सा है, SRC है। तो इमेज SRC आपने फाइल पा दे दी, फाइल पा देने के बाद में इसको बंद कर दो। केवल ये टैग है जो सिंगल होता है, यानी केवल होता है। अगर आपको क्वेश्चन पूछा जाता है कई बार एग्जाम में कि ऐसे टैग का नाम बताइए जो सिंगल होता है, यानी कॉम्बो नहीं होता है, तो इमेज टैग ऐसा टैग है जो सिंगल होता है। उसके बाद में आपने पी पैराग्राफ के लिए पी टैग के भी जो भी पैराग्राफ लिखना बीच में लिखो और क्लोजिंग पी के द्वारा इसको बंद कर दो। देन उसके बाद में ऑडियो, आपको साउंड देना है, तो साउंड देने के लिए आपने ऑडियो के साथ में सोर्स का उपयोग किया। अब सोर्स है वो SRC टैग का उपयोग, सोर्स के ऑडियो टैग के साथ में किसका उपयोग होता है, SRC एट्रीब्यूट का उपयोग होता है। आप यहाँ पर गायत्री, अगर आप धार्मिक है तो गायत्री मंत्र लगाओगे, और आप अगर आध्यात्मिक है बहुत पुराने हैं तो वो काफ़ी पुराने सॉन्ग्स यानी ओल्ड सॉन्ग्स लगाओगे, और अगर आप आज के टाइम के हो तो यानी धूम धड़ाके वाले यानी DJ वाले सॉन्ग्स लगाओगे। तो जो सॉन्ग्स है उनका वे यानी उनका पाथ आपको यहाँ पर लिखना है। देन उसका एक्सटेंशन कोड लिखना कंपलसरी है। एक्सटेंशन कोड नहीं लिखोगे, जिस प्रकार JPG का आपने इमेज का .jpg लिखा था या IMEG लिखते हो, उसी प्रकार ऑडियो फाइल का भी आपको एक्सटेंशन .org या और भी कोई जो MP3 MP4 है एक्सटेंशन कोड। टाइप कौन सा है, इसमें आपको टाइप भी शो करना पड़ता है, टाइप है आपके audio.audio/org, और आप इसको ऑडियो के द्वारा बंद कर दोगे। तो इसके बाद में क्या हुआ, क्लोजिंग बॉडी एंड देन क्लोजिंग HTML। तो ये जो आपका आउटपुट है सेम इसी के अकॉर्डिंग आपने प्रोग्राम का निर्माण किया, यानी आने वाली 2 या 3 क्लासेस में आपके पूरे वेब पेज का निर्माण कैसे होता है, किस प्रकार होता है, वो सब आपको बताया जाएगा। तो बहुत ही आसान तरीका है, देखते रहिए आपके अपने YouTube चैनल Wi-Fi Academy को, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करते रहिए। थैंक यू।